हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु कुर्मी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मेथी के पराठे। ठंडी का मौसम आ गया है, हमें बाजार में ताजी ताजी मेथी के पत्ते देखने को मिलेंगे, तो क्यों ना हम मेथी का पराठा बनाएं। यहाँ पर मैंने एक बंडल मेथी लिया हुआ है, यहाँ पर ये आधा किलो मेथी है। सबसे पहले हम मेथी के जो बंडल लिए हैं उसमें से मेथी का जो ये जड़ है वो अलग करेंगे और सिर्फ हमें पत्तों का ही इस्तेमाल करना है। हम पत्ते लेंगे और उसका ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं जितने भी मेथी है उसमें से ये पत्तों को अलग कर लूंगी। यहाँ पर डंठल का यूज नहीं करना है। आप सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो आप डंठल का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन हमें पराठे के लिए सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो भी मैं मेथी के पत्ते ली हूँ उसे चाकू की सहायता से बारीक बारीक काट लूंगी। पराठे का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि बहुत सारे काम होंगे, लेकिन ये मेथी के पराठे आप बहुत जल्दी से ही तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों को सवेरे टिफिन में देना है तो आप रात को ही पत्ते ऐसे साफ कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। सवेरे उठकर आप तुरंत तुरंत पराठा बनाकर दे दीजिए। इसे बनाने में हमें बहुत कम समय लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैं नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी ली हूँ और उस पानी में ये मेथी के पूरे पत्तों को डाल दूंगी और इसे अच्छे से धोकर निकाल लूंगी ताकि जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो सब साफ हो जाए। और इसे मैं हाथ से जड़ाकर इसे ऐसे ही निकाल लूंगी। अगर आप थोड़ी देर इसे छन्नी में रखना चाहते हैं तो छन्नी में रख के इसका पानी निकाल सकते हैं। और फिर मैं सारे मेथी के पत्ते निकाल लूंगी। यहाँ पर मैं आधा किलो मेथी ली थी और मुझे अभी एक पाव के आसपास मेथी बचा हुआ है। तो चलिए इसे बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए नमक, नमक मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। हरी मिर्ची कटी हुई, गरम मसाला ली हूँ आधा छोटा चम्मच, तेल तलने के लिए और 2 चम्मच यूज होगा आटा गूंथने के लिए, लाल मिर्ची पाउडर आधा छोटा चम्मच, अजवाइन हूँ, अजवाइन है 1/4 चम्मच, जो अजवाइन के दाने होते हैं ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी ली हूँ आधा छोटा चम्मच, ये मेथी के जो पत्ते हैं जो मैंने धो लिए थे ये 4 कप के आसपास है और 2 कप हमें गेहूं का आटा चाहिए। यहाँ पर अगर 4 कप मेथी के पत्ते हैं तो मैं यहाँ पर 2 कप गेहूं का बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे ही बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मेथी के पत्तों पे ये गेहूं का आटा डालूंगी और जो भी मेरे पास मसाले हैं वो सब मैं डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा डाली हूँ। अब यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, ये डालने से जो पराठे का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक 1 चम्मच ली हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार यूज कर सकते हैं। हरी मिर्च ली हूँ, 4 हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे मत डालिएगा। यहाँ पर अजवाइन ली हूँ 1/4 चम्मच, ये अजवाइन डालते ही हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर आधी छोटी चम्मच ली हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी, तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल करी हूँ, बाकी तेल का इस्तेमाल हम पराठा सेकते वक्त करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, इन सबको पहले मैं अच्छे से मिला लूंगी पत्तों के साथ। पत्ते और जो आटा है वो और जो भी मैंने मसाला यूज किया है वो सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी। इसे मेथी के पत्तों के साथ बहुत अच्छे से मिलाइए। अभी शुरू में हमें पानी नहीं डालना है, जब एक बार ये सब अच्छे से मिल जाएगा उसके बाद हमें पानी डालकर इसे गूथना है। यहाँ पर पहले हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालिए, एक साथ पानी मत डालिएगा। थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसे हम एक टाइट आटा लगाएंगे, ढीला आटा नहीं लगाना है। जैसे हम पूड़ी के लिए सख्त आटा लगाते हैं वैसे ही हम इसे सख्त आटा लगाएंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसे अभी थोड़ी देर बाद रेस्ट के लिए रखेंगे, इसे ढककर ऐसे छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये ढीला हो जाएगा। और अगर आप इसे ढीला आटा लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। अब ये मेरा आटा लग गया है, अब मैं इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपको तुरंत बनाना है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ देंगे तो मेथी के जो भी
स्वाद है वो अच्छे से पराठे में निकल कर आएंगे। अब इसे मैं एक बार और हल्के हाथों से मिला लूंगी और फिर मैं इसका पराठा तैयार करूंगी। अब सबसे पहले इसे मैं नींबू के साइज का छोटे छोटे आकार का लोई ले लूंगी और फिर उसे मैं बेल लूंगी। यहाँ पर मैं गोल वाले पराठे बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तिकोना शेप देना तो आप तिकोना शेप भी दे सकते हैं, और अगर आपको पराठा नहीं पूड़ी बनाना है तो आप इसी ये सेम प्रोसीजर ही कर आप इसे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल कर उसे तेल पर तल लीजिए। मैं यहाँ पर इसे पराठा बनाऊंगी। इसे अगर आप बच्चों को देंगे तो ये इतना टेस्टी है और ये गुणों से तो भरा हुआ ही है, आपको तो पता ही है। अब इसे मैं गोल गोल बेल लूंगी। आप इसे सवेरे बच्चों के टिफिन में देकर देखिए। अगर आप डेली प्लेन पराठा देते हैं तो अभी ठंडी का मौसम है, इसे जरूर दीजिए। ये मेथी के पराठा हमारे शरीर को गर्म रखता है। अब इसे मैं गोल गोल बेल लूंगी। इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही ज्यादा मोटा बेलना है। इसे नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी साइज का ही बेलना है। अब इसे हम रोटी के साइज का बेल लिए हैं। देखिए मैं इसे ना ज्यादा पतला करी हूँ ना ज्यादा मोटा करी हूँ। अब हम गैस पर तवा चढ़ाएंगे। आप इसे लोहे के तवे पर ही सेकिए तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे से आएगा। अब मैं तवे पे रोटी को डाल दी हूँ। हम तवे पे, अभी खाली तवा है, इस पे मैं कोई तेल या घी नहीं लगाई हूँ, इसे मैं ऐसे ही रोटी को डाली हुई हूँ। एक साइड से जब रोटी हल्की से सिक जाएगी उसके बाद मैं पलट कर उस पर तेल लगाऊंगी। कभी भी आप पराठा बनाते हैं तो आप शुरू में ही तेल या घी का इस्तेमाल मत करिए, ये एक ट्रिक है। अगर आप थोड़ी देर बाद, एक साइड से जब सिक जाएगा उसके बाद जब आप तेल या घी लगाते हैं तो हमारे पराठे में जो कलर आता है वो सुनहरा कलर, वो बहुत अच्छा आता है। ऐसे में हमारा पराठा थोड़ा हल्का सा कच्चा सा दिखता है। मेरा एक साइड से पराठा सिक गया था, मैं दूसरे साइड पर पलट के उस पर तेल लगाती हूँ। अब मैं दोनों साइड पर तेल लगा के इसे अच्छे से पलट कर सेकूंगी। आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घी भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी दोनों साइड को, अच्छे से दबा दबा कर किनारों से भी, कि ताकि कच्चा ना रहे। अब यहाँ पर मेरा पराठा सिक गया है। आप इसे जिसके साथ सर्व करना चाहते हैं उसके साथ आप इसे परोसिए। मैं यहाँ पर इसे दही और अचार के साथ परोसी हूँ। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी दबाइए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।